तो अभी बज रहे हैं शाम के 8:15, आप लोग देख सकते हो। एंड कल इस टाइम हम लोग होंगे स्टेशन पे, क्योंकि मैं जा रही हूँ उज्जैन और मेरे साथ जा रही है मेरी कजिन। सो यस, मैं उज्जैन सेकेंड टाइम जा रही हूँ एंड सेकेंड टाइम जाने का मेन पर्पज इज भस्म आरती, बिकॉज लास्ट टाइम कुछ चीजों की वजह से हमारी वो आरती मिस हो गई थी। तो इस टाइम हम लोग ने प्री बुकिंग करके सब कुछ सॉर्ट करके और हम लोग जा रहे हैं। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये मेरी पहली सोलो ट्रिप होगी एंड जो मेरे साथ जा रही है उसकी भी पहली सोलो ट्रिप है। सो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड। एंड अभी मैं बस पैकिंग वगैरह कर रही थी, पता है मैंने सब चीजें बहुत पहले से निकाल के रखी हुई है, बट मुझे बैग में डालने को इतना बोर हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है यार कोई मेरा बैग पैक करके दे दो एंड सब ऐसा सेट करके दे दो कि हाँ इसके नीचे तुझे ये पहनना है, ये शूज पहनने हैं या ये चप्पल पहननी है, ये इयररिंग्स पहनना है। मेरे को अभी इतना बोर हो रहा है ना ये सब चीजें करने को, सब ऐसे फैला हुआ है और बस मैं सॉर्ट करती जा रही हूँ। कुछ आइटम्स मैंने मिंत्रा से मंगाए थे, बट मतलब मैं जो साड़ी पहनने वाली हूँ वापस भस्म आरती के लिए, साड़ी इज मैंडेटरी, साड़ी या फिर ड्रेस आप पहन सकते हो, तो हम लोग साड़ी पहन रहे हैं। एंड उसके लिए हमें ब्लाउज चाहिए था, वी वॉन्टेड कि हम थोड़ा टर्टल नेक में ऐसा फुल स्लीव वाला वैसा ब्लाउज पहने, बट हमें वो नहीं मिला मिंत्रा पे। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, जो मिला है उसमें एडजस्ट करेंगे। अगर आज या कल हो सके तो मैं गैलेरिया जाके वहां पे चेक कर लूंगी, अगर वैसा कुछ क्रॉप टॉप आया हुआ रहेगा टर्टल नेक विद फुल स्लीव तो मैं जरूर ले लूंगी, नहीं तो जो मेरे पास आया है उसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो यस, अभी फटाफट से पैकिंग करते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी एंड फिर कल तो मुझसे कुछ होगा ही नहीं। मतलब कल मैं अगर पैकिंग करने बैठूंगी ना, मैं नहीं समझ पाऊंगी कि मुझे क्या पैक करना है, क्या चीजें करनी है, तो इसलिए मैं अभी पैकिंग करके रखती हूँ। वैसे मेरे पास कल पूरा दिन का टाइम है, लाइक हम लोग 6 o'clock को निकलेंगे इवनिंग में, 1-2 घंटे में वहां पे पहुंच जाएंगे और पूरा दिन रहेगा, बट मुझे कल थोड़ी बहुत वीडियोज भी शूट करने होंगे। सो यस, अभी तो फिलहाल यही है कि मुझे सारी चीजें पैक करनी है और फिर हम जाएंगे बाहर थोड़ी देर और होप सो सारी पैकिंग हो जाए। थोड़े बहुत कपड़े हैं आयरन करवाने हैं, जो थोड़े बहुत कपड़े सूख रहे हैं उनको भी आयरन करवाने हैं, तो वो तो कल ही हो पाएगा, आज तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। तो बस बाकी चीजें हम देखते हैं और फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स गो, लेट्स तो मैंने कपड़े सॉर्ट आउट कर दिए हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पेयर, सो कुर्ता है एंड इसके नीचे ये जीन्स है एंड सेकंड इज दिस नायरा कट सूट और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैंने सा कुर्ता लिया है अनारकली, इफ इन केस मुझे इनमें से कुछ नहीं पहनने का मन करे तो मैं ये पहन लूँ। एंड फोर्थ इज दिस अनारकली ड्रेस जो कि कॉटन की है एंड मुझे ऐसे कॉटन की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यस, ये रखी है, एक मैंने ये वाली ड्रेस भी रखी है। सो वी आर गोइंग फॉर 4 days and 3 nights, सो मतलब 4 दिन के 4 कपड़े एंड एक दो जोड़ी मैंने एक्स्ट्रा रखी है, इफ़ इन केस कुछ किसी का मिसप्लेस हो जाए तो मुझे ऐसा देखना ना पड़े। एंड एक मैं ये लेके जा रही हूँ ट्राउज़र एंड उसके ऊपर ये कुर्ता टाइप है, टुनिक टाइप है। सो ये अभी मुझे आयरन करवाना है। ये आपको जो लेगिंग्स दिख रही है ये मुझे एक्सचेंज करवानी है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो यस वो करवाएंगे अभी। एंड ये है साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, इसके ऊपर ब्लाउज देखना पड़ेगा, अभी तक भी फाइनल नहीं है इसका ब्लाउज। एंड यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स रखी हुई है फॉर नाइट, तो वो तो यहाँ पे मैंने सारा सामान अपने बैग में डाल दिया है और अब इसको बंद करके चलते हैं मंदिर। शॉप पर लेगिंग्स ट्राउजर देख देख के थक गए, बट कलर मैच नहीं हुआ एंड फाइनली एक लेगिंग्स मिल ही गई। इट्स 12:15 राइट नाउ एंड मेरी अभी ऑलमोस्ट मतलब पूरी पैकिंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने आयरनिंग के लिए आपको बताई थी वो बाकी है
एंड गॉगल्स वगैरह डालने, तो वो तो ऊपर की चीज़ है, वो ऑब्वियसली सुबह ही होती है। तो यस, अभी मैं बस टूट पी रही हूँ एंड फिर मैं सोऊंगी, बिकॉज मैं मुझे जल्दी उठ के एक वीडियो भी बनानी है यूट्यूब शॉर्ट के लिए। सो यस, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। हेडेक नहीं जाना चाहिए, सब एकदम स्मूथली होना चाहिए। और मैं ब्लाउज़ का अभी भी थोड़ा चल रहा है अप्स एंड डाउन्स, लेट्स सी, अगर कल बाहर जाके मिलता है गैलेरिया साइड में तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर जो है वो ही चलाएंगे। सो यस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, अभी के लिए गुड नाइट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15। मैं अभी पी रही हूँ चाय और उसके बाद रेडी होके हम सारे काम करेंगे, वो भी फटाफट, क्योंकि आज अभी ऑप्शन नहीं है कि एक दिन और है, आज जो है वो आज ही करना है। सो चलो अभी चाय पीते हैं और फिर रेडी होते हैं। मैं रेडी होके निकल गई थी गैलेरिया एंड वेस्ट साइड, वो हमारा तिनके का सहारा है डूबते को, तो बस उसके लिए मैं निकल रही हूँ अभी। एंड गैलेरिया पहुँचते ही मुझे एक शॉप दिखी जहाँ से हम ज्वेलरी वगैरह लेते हैं, एंड यहाँ पे मुझे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा एंड प्राइस भी बहुत अच्छी लगा दी थी अंकल ने, एंड यहाँ पे पूरा क्रिसमस डेकोर हो रखा था। और वेस्ट साइड में मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं बस ऐसे ही निराश होकर आ गई कि अब जो है उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी 6:30 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग निकलेंगे। एंड ये है मेरा आउटफिट, सो ये एक क्लोथिंग सेट का कुर्ता है एंड नीचे मैंने ब्लैक लेगिंग्स पहनी है, वेरी कंफर्टेबल। सो यस, लेट्स गो। यस, तू तो एकदम सामने खड़ी है और ये सीधे भी आनी पहले मुझे बताना चाहिए था। जा रहे मम्मी, आ रहे हैं, जाके आ रहे हैं, बोलो जाके आ रहे हैं, जाके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है भाई जी, क्या ठीक है? सब ठीक है, ट्रू फीलिंग्स था। अब बोल, मुंबई की हमारी कोई प्लान आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए, 15 सालों का रिकॉर्ड है। अच्छा। और सीधा कौन सा सक्सेसफुल हो रहा है? उज्जैन का। हाँ। तो इससे क्या सीखने मिलता है? हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, छोटा सोचना चाहिए तो बड़ा होगा पूरा। बड़ा सोच, बड़ा मत सोचो, छोटा सोचो और बड़े एग्जीक्यूट कर। नई फिलोसफी। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, 6:30 हो गया ना, 6:30 क्रॉस हो गया है और ट्रेन है 9 बजे की, तो हम लोग आराम से 1.5 घंटे में मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएंगे। और मुझे पता नहीं है मेरा कितना फेस आ रहा है, इसका कितना आ रहा है पता नहीं, क्योंकि मैंने बैक कैमरा स्टार्ट करके रखा है। एंड फाइनली हमारी प्लान क्या हो गई है? सक्सेसफुल आने के बाद एग्जीक्यूट होना स्टार्ट, एग्जीक्यूट हो गई है। बाकी डिटेल्स हम आपको स्टेशन पे जाके देते हैं। जय महाकाल। 1, 2, 3 मम्मा बोले। ठीक है, तो हम लोग आप लोग से मिलते हैं स्टेशन पहुंच करके, बाय। और हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई सेंटर, 7:40 हो रहा है ना कुछ? यस, 7:40। ये आकृति स्टेशन की ओर चलते हुए, आकृति अपनी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है? प्लेटफॉर्म 2 पे आ रही है, एक्सप्रेस 1296। ओके, कैसा फील कर रही हो आकृति? नो वर्ड्स एंड नो वर्ड्स आल्सो सैड। तू आगे जा रही है? तू आगे चल रही है? सामान रखूं? मेरा बैग भी रखना पड़ेगा। हाँ बैग रख दे, इसको लेटा दे, लेटा दे। सामान अपने जिम्मेदार कंधों पे आकर के सामान लेते हुए वीडियो बना रही है। हमारी ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई है, अभी 1 घंटा बाकी है इसमें, तो चल।
और हमारा जो टिकट है वो S6 में है, 78 और 79. तो चलो चलते हैं. ट्रेन की पहली चाय, सफर की पहली चाय टेस्ट करते और बताते कैसी. सूचना गलत तो गई. आगे जाके आउटर पे भी खड़ी कर सकते. हाँ वो तो है. अभी तकनीकी कारण से खत्म हो गया. कुछ तो है गड़बड़. रात को 9:30-10 बजे के करीब हमने डिनर कर लिया था. मैं पराठे लेके गई थी एंड निधि सब्जी लेके आई थी मटर की, जो कि बहुत टेस्टी थी. और टेस्ट के चक्कर में हमने एक पराठा एक्स्ट्रा खा लिया. और ये है सुबह का व्यू, बहुत ही मस्त लग रहा था. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हाउ आर यू फीलिंग आपको? बकवास. हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं. ये हमारी ट्रेन. और अभी टाइम क्या रहे निधि? 8:37. गाड़ी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू वन आवर लेट है. वी आर योर एक्सप्रेस. सो फर्स्ट वी आर गोइंग नंदी होटल एंड देन वी विल सी कि अगर वो अच्छा नहीं रहा, उसमें रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो हम फिर दूसरे होटल पे जाएंगे. आर यू एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड, सुपर 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 एक्साइटेड. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? कुछ ऐसा महसूस हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है एक्सप्लोर करने में पता चलेगा. जय श्री श्याम में लिख रहा कर. अभी है कैमरा ऑन हो रहा है. सामने मेन मार्केट एंड यहाँ पे रामघाट का कुछ रास्ता बता रहे. पता नहीं, मुझे तो देखने के बाद ही पता चलेगा. अभी ये लास्ट होटल है यहाँ पे, देखते हैं अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा रूम. और ये मेन महाकाल की एंट्रेंस है. तो हम लोगों ने 2-3 होटल्स देख लिए बट हमको इतने अच्छे नहीं लगे. एंड अभी हम लोग आए हैं नंदी होटल पे एंड यहाँ पे देखते हैं, ये मंदिर के बहुत पास में है. तो अभी यहाँ के रूम्स देखते हैं, प्राइस भी काफ़ी ठीक लग रहा है. बट ये थोड़ा ठीक लग रहा है. एंड अभी यहाँ के रूम्स देखते हैं, प्राइस भी लग रहे हैं, थोड़ा कम कराने की कोशिश करेंगे. सो यस, बाकी कंपैरिजन में लग रहा है तो लेट्स सी. कहाँ जाना है आपको? आपको किस पर्पज से आप यहाँ पे आ रहे हैं? डेट सेट कर 19 हो गया. यस 19. डेट भी डाल दीजिए ना. फाइव.
तो हमने जो रूम लिया है मैं आपको उसका रूम ट्यूर दे देती हूँ। सो ये हमारा रूम है। जैसे ही आप एंट्री करोगे वैसे आपको यहाँ पे वॉशरूम दिखेगा एंड वो साइड पे एंड ये साइड पे वैसे आप एंट्री करोगे आपको यहाँ पे एक कबर्ड काइंड ऑफ है वो मिल जाएगा एंड यहाँ पे हैंगिंग के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पे इसी का रिमोट वगैरह सब है, स्विचेस है, ये चीज़ें हैं एंड यहाँ पे टेबल है, आप अपना सामान या अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। और अब हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं और यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है, अपने शूज़ वगैरह रख सकते हो, डस्टबिन रखा हुआ है एंड एंटर करते हैं लेफ्ट साइड में जो वॉशरूम है वो दिखाती हूँ आपको। अंदर तो नहीं जाऊँगी मैं सही सो ये है सिंक, यहाँ पर हैंड वॉश के लिए एंड यहाँ पर पॉट एरिया है और अंदर वॉशरूम है तो सब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और अब यहाँ जाते हैं तो ये हमारा बेड है। एक्साइटमेंट देख रही हो लड़की की? यस। सो यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, इसका देखते चालू है नहीं। और यहाँ पे हमारा बेड है, यहाँ पे लगी हुई है एसी। वैसे तो सर्दी का टाइम है और फैन की हाइट बहुत कम है ना, अभी पता चला। यहाँ पे लैम्प चलता है क्या? हाँ लैम्प चलता है। यहाँ पे टी टेबल रखी हुई है, फोन रखा हुआ है, चाय वगैरह मंगा, फोटो सेशन के लिए हमें अच्छी जगह मिली है। एंड उसके बाद ये स्पेस हमको मिल रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप लोग वर्क वगैरह कर सकते हो, लैपटॉप वगैरह रख सकते हो, अच्छी खासी स्पेस है। ये साइड भी टी टेबल रखी हुई है एंड मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी। और इतना उजाला हो गया इस रूम में, बहुत मस्त लग रहा है एंड बाहर आपको व्यू मिलता है एकदम मेन रोड का जहाँ से महाकाल की एंट्री होती है। एंड बस इसके बाद और यहाँ आप मेरे जस्ट सामने आपको मिरर दिखेगा। सो ये है फुल लेंथ मिरर, आप यहाँ पे खड़े होके सेल्फी फोटोज कुछ भी आपको लेना हो ले सकते हो। सो यस, ये है हमारा छोटा सा रूम ट्यूर एंड बहुत अच्छी स्पेस है। बहुत एक्साइटेड लग रही है, मेरे से भी ज्यादा लग रही है। चलो अभी हम लोग फटाफट से रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं आज का जो भी टारगेट है उज्जैन दर्शन, उज्जैन टूर।